अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सोहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, अगर किसी वजह से आपके कान बंद महसूस हो रहे हैं और साथ चक्कर आते हैं, नाक का मसला हो, गला ख़राब हो, कानों में भारीपन महसूस होता हो और सुनने में मसला आ रहा हो, तो इसका एक बहुत ही आसान सा हल हम आपको बताने लगे हैं, जिस पर कोई ख़र्चा भी नहीं है और आपका कान भी खुल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। दोस्तों, अक्सर ये देखने में आता है कि जब कभी फ्लू होता है या गला ख़राब होता है तो कान बंद हो जाते हैं, कानों से सुनाई कम देना शुरू हो जाता है और साथ साथ चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं और पहाड़ों की बुलंदियों पर सफ़र कर रहे हैं तो अक्सर कानों में टिकटिकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और कान अक्सर बंद भी हो जाते हैं। तो इससे छुटकारा कैसे पाना है, बिल्कुल ही आसान सा तरीका है, जिससे आपके कान खुल जाएंगे और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और चक्कर भी आपके कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये करना है कि पहले मुंह से सांस अपने अंदर लेनी है और लंबी सांस लेनी है और फिर होंठ बंद कर देने हैं और नाक को भी बंद कर देना है और अब सांस बाहर निकालने की कोशिश करनी है और हल्का हल्का ज़ोर लगाकर सांस बाहर निकालनी है। अब जब आप सांस बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके कानों के ऊपर प्रेशर महसूस हो रहा है और कान आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाते हैं। आपको फिर से बताते चलें कि सांस अंदर लेनी है और फिर होंठ और नाक बंद कर देनी है और इसके बाद सांस बाहर निकालने की कोशिश करनी है, तो इससे आपके कान आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये अमल दिन में 3 दफ़ा दोहराएं, इससे आपके कानों के ऊपर जो प्रेशर होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आपके कान जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपको ये बताते चलें कि कान बंद क्यों होते हैं। तो होता यह है कि हमारे कान के अंदर की तरफ से एक छोटी सी ट्यूब होती है जो गले की तरफ आती है और गले के अंदर जो मसला होता है या फिर नाक के अंदर मसला होता है तो वो ट्यूब बंद हो जाती है। तो जब हम मुंह और नाक बंद करके ज़ोर लगाते हैं तो वो ट्यूब खुल जाती है और इसके बाद कान हमारे जो हैं वो भी खुलना शुरू हो जाते हैं। इसका एक और तरीका ये है कि पानी की स्टीम यानी कि भाप ले लें और फिर मुंह और नाक बंद करके फिर से ज़ोर लगाएं और सांस बाहर निकालने की कोशिश करें, तो भी आपके कान जो हैं वो खुल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैरा।